कि एक प्रतिज्ञा बाबा साहब की पहली प्रतिज्ञा मान लें, हम उनको अम्बेडकरवादी मान लेंगे। भूख, भय, भाग्य, भगवान, ये पूरा का पूरा ब्राह्मणवाद का जो सुपर स्ट्रक्चर है ये भय पर आधारित है। ये सिर्फ जात, एक्चुअली आपने चूंकि जाति से शुरू किया प्रश्न है, तो सबसे पहली जाति, 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 ये जाति नहीं है, ये आती है, आती है, आती है। तो ये शब्द जो ब्राह्मणों ने जाति की जेलों में कैद लोगों को जो कैद किया है, जातियों की 6743 जातियों की जेलों में जो कैद किया है, ये जातियां नहीं हैं, ये जातियों की जेलें हैं। ये मैं वाल्मीकि समाज से पूछ हूँ, वाल्मीकि समाज की जेल में आप क्यों कैद हो? ये जाट व चमारों से पूछता हूँ कि आप चमार नाम की जेल में कैद हो, चमार नाम की जेल में ही शादी करते हो और चमार नाम के की जेल में ही बच्चे पैदा करते हो और चमार होके ही मर जाते हो, जबकि बाबा साहब ने जातियों की जेलों को तोड़ने का मंत्र दिए थे। नंबर एक इस धर्मांतरण, नंबर दो स्थानांतरण, नंबर तीन नामांतरण। बाबा साहब अम्बेडकर ने अगर इस देश में से जाति खत्म हो जाए तो ब्राह्मणवाद खत्म हो जाएगा, तो फिर ब्राह्मणवाद खत्म हो जाएगा तो आरएसएस खत्म हो जाएगा। ऐसा कभी कोई भी ब्राह्मणवादी संगठन ऐसा कभी नहीं करेगा। वो एक काम कर लें, अगर जो लोग ऐसा काफ़ी ब्राह्मणवादी संगठन भी बाबा साहब को मानते हैं, तो उनसे मेरा एक ही कहना है कि एक प्रतिज्ञा बाबा साहब की पहली प्रतिज्ञा मान लें, हम उनको अम्बेडकरवादी मान लेंगे। देखिए, आपकी बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ, गड़बड़ नहीं है, गड़बड़ नहीं है, वही सही दिशा, सही नीति और सही नियत का खेल जो बाबा साहब ने तय कर दिया है। बाबा साहब ने तय ये कर दिया है कि कौन अम्बेडकरवादी है, कौन अम्बेडकरवादी नहीं है। वेरी गुड। तो क्या केजरीवाल जी, उस दिन मैं केजरीवाल को अम्बेडकरवादी मान लूंगा जिस दिन वो बाबा साहब की पहली प्रतिज्ञा वह पब्लिकली कहेंगे कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को ईश्वर नहीं मानता, और वो तो बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो लगाने की बजाय लक्ष्मी और गणेश की फोटो लगाते हैं। तो इसलिए, और लेकिन एक बात और है, मैं बिल्कुल नहीं, ये गलत फहमी है, मैं अम्बेडकराइज्ड हूँ, बुद्धिस्ट हूँ, जय भीम वाला हूँ, हाथी वाला हूँ, नीली शर्ट वाला हूँ। राजेंद्र पाल गौतम जी जो नेता हैं और सामाजिक कार्यकर्ता हैं, लेकिन अगर वो इस मुद्दे पे, उनको रिजाइन कर देना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी और गणेश की फोटो पे केजरीवाल ने लगाने के लिए कहा तो बाबा साहब तो पहली मांग होनी चाहिए। गलत बात है। मैं बहुत सारे संगठनों को, ऐसे बहुत सारे संगठन, एक मिनट, बहुत सारे धार्मिक संगठन, बहुत सारे राजनीतिक संगठन, बहुत सारे सामाजिक संगठन, बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ता, वो लोग कहते हैं हम जय भीम वाले हैं। तो मेरा एक संदेश है पूरे भारत के जय भीम के कार्यकर्ताओं को, जय भीम के सामाजिक कार्यकर्ताओं से को मेरा यह संदेश है कि हर मीटिंग में सबसे पहले वो बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं से शुरुआत करें। करेंगे क्या ऐसे? क्या सामाजिक संगठन आज से जो 22 प्रतिज्ञाएं, 22 प्रतिज्ञाओं पे ही तो सब कुछ हुआ। तो जितने भी जय भीम के कार्यक्रम हो, समझ लेना नकली जय भीम का कार्यक्रम वो है जिसमें बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं से शुरुआत नहीं होती। असली कार्यक्रम वो है जिसमें जय बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं पढ़ी जाती है। हाँ, आप बताइए, गिलास में गंदा पानी भरा है, उसमें हजार गिलास पानी डाल दिया, गंदा तो गंदा रहेगा, पीने लायक नहीं रहेगा ना। तो सबसे पहले गिलास को साफ करने का मामला है, वही तो ब्राह्मणवाद को खत्म करने का प्रोग्राम है, वही अपनी संस्कृति को पहचानने का सबसे बड़ा माध्यम है। ये बताइए, मैं यहाँ का एग्जांपल बाबा साहब का छोड़ नहीं देता हूँ, ऐसा ही 10 कमांडमेंट दिए थे, 10 कमांडमेंट जो दिए थे, तो वो दूसरे कंट्री की बात कर रहा हूं, विदेश में 10 कमांडमेंट, पता है किनके 10 कमांडमेंट? किनके? 10 कमांडमेंट ऑफ मोसेस। मैं मोसेस की बात करता हूं, मोसेस के लोगों ने
मोसेस के लोगों ने मोसेस के द्वारा दिए हुए 10 कमांडमेंट नहीं माने, इसलिए वो खत्म हो गए। इसी तरह से भारत में अंबेडकर वादियों ने बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं नहीं मानी, इसलिए वो राज सत्ता गमा बैठे, इसलिए वो धर्म सत्ता गमा बैठे, इसलिए वो समाज सत्ता गमा बैठे। मैं सिर्फ बाबा साहब की बात करूंगा, मैं उनका मनवादियों को बिल्कुल प्रचार नहीं करना चाहूंगा। हाँ, मैं बाबा साहब के तो काशीराम साहब की 5 प्रतिज्ञाएं मान लें, चलो भाई बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं से हो सकता काफी परेशानी हो सामाजिक कार्यकर्ताओं को, नकली जय भीम और नकली अम्बेडकरवादियों को, तो मान्यवर काशीराम साहब की जो सामाजिक काम करते हैं, बड़ी अच्छी बात है। ऐसा है, धमकी नहीं है, दरअसल बात ये है, ये ब्राह्मणवादी लोग डरे हुए हैं और ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं पता है? वो ये कह रहे हैं कि उनकी पूरी संस्कृति डर पे आधारित है। डर चाहे भगवान का हो, भाग्य का हो, भूत का हो, भूख भय भाग्य भगवान, ये पूरा का पूरा ब्राह्मणवाद का जो सुपर स्ट्रक्चर है ये भय पर आधारित है। हम तो सच कह रहे हैं, हम तो संवैधानिक बात कर रहे हैं। दोस्तों, शब्दों के अर्थ होते हैं। जब कोई व्यक्ति शब्द कहता है और सुनने वाले व्यक्ति शब्द सुनते हैं, तो सुनने वाले व्यक्तियों के मन में कुछ भाव पैदा होते हैं। हाँ, भाव से भावनाएं पैदा होती हैं, भावनाओं से विचार पैदा होता है, विचार से विचारधारा पैदा होती है, और विचारधारा से समाज और देश का निर्माण होता है। अगर वो लोग वो अपनी विचारधारा के, लेकिन यहाँ देश का नेशनल रिकंस्ट्रक्शन बेस्ड ऑन संविधान, भारतीय संविधान संविधान नहीं है, ये मूल निवासी बहुजनों की आजादी और बौद्धों का लिखित दस्तावेज है। कौन सी आर्टिकल मानी? पहली आर्टिकल देखिए, नहीं इसलिए नहीं मानी, इस देश का द नेम ऑफ दिस कंट्री इज इंडिया, दैट इज भारत। जब इस देश का नाम भारत है संविधान में, वो तो हिंदुस्तान कहते हैं, तो पहली आर्टिकल नहीं मानते। चलिए दूसरी आर्टिकल, CA NRC, दूसरी आर्टिकल को ना मानने के लिए करें, वो फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल, राइट टू लाइफ। देखिए, राइट टू लाइफ तो सबको दिया ना आर्टिकल 21 में, तो वो तो धमकी देते हैं कि नहीं साहब, आप अगर अपनी संस्कृति मानोगे तो हम संविधान का खुले आम बोल लंघन कर रहे हैं। ये मामला है आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ पे अटैक है। ये है RSS की बी टीम, नहीं सी टीम है। कांग्रेस जो थी, कांग्रेस पहले खुले छुप करके RSS के लिए काम करती थी, BJP खुल के काम करती है, और जो तीसरी टीम जो है ये आप पार्टी है, ये कांग्रेस की सी टीम है। ये बहुत अच्छी तरह से हमें समझ लेना चाहिए, भारत के बहुजनों को समझ लेना चाहिए कि आप पार्टी है RSS की सी टीम है।